What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile की प्यारी सी वीडियो. एंड आज भाई क्या ही गेम ले लाऊं मैं, लाइक आज से पहले शायद ही ऐसे गेम ले लाऊं जिसके अंदर मैंने इतनी सारी स्क्वाड्स क्लच करी होंगे एक साथ लगातार मजे में. बट इससे पहले कि मैं इतनी सारी स्क्वाड जाकर ये क्लच करूं, मैं तुमको एक अमेजिंग से गेम के बारे में बताना चाहता हूं भाई साहब, प्रो रियल बॉल पूल. अगर आपने ये गेम अभी तक नहीं खेला तो आप एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम को मिस कर रहे हो. तो इसलिए मैं आपके लिए आज ये गेम लाया हूँ जिसके अंदर है जीरो हैकर्स एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स. इसके अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स से ज़्यादा प्लेयर्स हैं एंड आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 5 रुपये की टेबल हो गई, 200 रुपये की टेबल हो गई एंड 400 रुपये की टेबल भी आने वाली है. एंड इसके अंदर एक रेफर प्रोग्राम भी है जिसके अंदर अगर आप अपने दोस्तों को आप इन्वाइट करते हो तो आप 30,300 रुपये तक जीत सकते हो. अरे बाबा, इसके अंदर बहुत सारी लीग है, गोल्ड लीग है, डायमंड लीग है एंड आप 10,000 रुपये तक डेली जीत सकते हैं इसके अंदर. एंड इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है. आप इसके अंदर पैसे बहुत ही आसानी से अपने पेटीएम के थ्रू विदड्रॉ कर सकते हो एंड डिपॉजिट भी कर सकते हो भैया. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स एक हफ्ते के अंदर आने वाले हैं. एंड अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में सपोर्ट मिलता है एंड इनका नंबर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इजिली कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो. इसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा विनर बन चुके हैं एंड मेरा जो पर्सनल कोड है वो इस्तेमाल करिए तो अगर आप 50 रुपये इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपको 100 रुपये मिलेंगे. डाउनलोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड इसी के साथ आज हम जा रहे हैं, देखिए 100-200 ज्यादा ले लीजिए. आपको पता है इस जगह का नाम? नहीं, इससे पहले मैं उतरा. अटेंडेंस दो भाई, कैब गैंग अटेंडेंस किधर है? 75% अटेंडेंस अगर आपकी नहीं हुई तो आप जानते हैं ना कॉलेज के रूल्स क्या होते हैं, घर पे कंप्लेन होती है डर. तो नीचे जाकर के प्रेजेंट लिख दो तुम जब भी वीडियो देख रहे हो. ये पैराशूट मेरे को नया मिला था भाई साहब, ये अचीवमेंट कंप्लीट करने में मिला है मेरे को. एंड आज हम जा रहे हैं जॉर्जो पूल में या फिर कह सकते हैं गोरे गोपाल में. एंड उतरते ही मेरे को कट्टा मिल गया जो कि किसी काम का नहीं है. एंड इस बार इन लोगों ने डेजर्ट ईगल नाम की गन निकाल दी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है. तुम लोगों को सही बताऊं तो डीपी जब मैंने इनिशियली लाइक चलाता था ना मैं, तो जब उसकी आवाज चेंज हुई है, थोड़ा सी चेंजेस डीपी में भी आए हैं, तो मेरे को इनिशियली उतनी अच्छी नहीं लगी थी डीपी. बट अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे से इसकी आवाज से लाइक मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है, मेरे को प्यार आ रहा है डीपी पे. आई थिंक मेरी डीपी फेवरेट गन्ना बन जाए आने वाले टाइम में. कॉज इसकी आवाज जो अभी न्यू वाली आई है ना वो बहुत ही ज्यादा ओपी आई है. मतलब फिर तुम्हारे भाई ने डीपी से क्लच ही कर दिया 1v4 उठा करके. मेरे पास बंदा है, मेरे को लाल किया. भाई म्यूटेंट चल जाएगी तो म्यूटेंट. नहीं भाई साहब कुछ बोलो ना, बोलो न्यू अपडेट के बाद. मेरे को डीपी की आवाज अच्छी नहीं लगी थी बट अब मेरे को बहुत अच्छी लग रही है. पता नहीं क्यों एकदम से लाइक जज्बात बदल गया, समय बदल गया, जिंदगी बदल गई भाई एकदम से जब से डीपी की न्यू आवाज आई है. तो इसी बात में मेरे को फ्लेयर मिल गई जो कि बहुत ही ओपी चीज़ है. लाइक फ्लेयर जॉर्जो पूल का तो बेस्ट कॉम्बो है. इनिशियली ना जब फ्लेयर टूर्नामेंट्स में कस्टम में होती थी तो जॉर्जो पूल आने का मेन रीज़न ही हुआ करता था कि यहाँ पर तुमको 2-3 फ्लेयर मिल जाती है. बट फिर टूर्नामेंट्स और कस्टम से हटा दिए. बट अभी भी क्लासिक में आप फ्लेयर मिलती है बहुत ही ज़्यादा. लाइक जॉर्जो पूल के अंदर फ्लेयर ना मिली तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला भाई. अगर तुम जॉर्जो पूल आए एंड तुमको फ्लेयर नहीं मिली तो कुछ नहीं किया तुमने ज़िंदगी में. ना 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 जॉर्जो पूल आए हो तो फ्लेयर लेके जाओ यार, ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं पड़ी होगी. बहुत ही कम चांस होता है कि फ्लेयर ना हो. तो फिर तुम्हारे भाई को मिल गई यहाँ पे M416 द गार्ड गन. जी हाँ, ये वही गन है जो तुम्हारे भाई की फेवरेट सी गन है, कहीं भी कुछ भी कैसा भी मार देती है. इसका बेनिफिट ही ये है, नहीं मजाक सेट के बहुत दूर तक मार देती है. तो अब ये बंदे ना जो बची हुई स्क्वाड थे वो 3 वेयरहाउसेस की तरफ थे. तुम्हारा भाई गया डीपी ले जाकर के लेट करके पागल जैसा स्प्रे मार दिया उठा करके ना इधर इन लोगों पे मैंने. आई गेस गाइस आई एम इन लव विद डीपी, आई एम सो सॉरी. मेरे को बोलना पड़ रहा है बट या मेरे को शायद ब्रेकअप करना पड़ेगा आज एक घंटा. मतलब डीपी अच्छी गन है मजाक से हटके. अब इनका आखिरी बंदा बचा था, उसको मैंने उनकी लोकेशन बता दी थी अपने टीममेट को कि भाई इनका यहाँ पे बंदा छुपा हुआ है,
घुस जा फाड़ के आधी कर दो उसकी। तो फिर तुम्हारे भाई ने आओ देखा ना तो नीचे कूदे जल्दी से। लूट की भूख तो भाई सबको होती है, हमारे को तो सबसे ज्यादा है भाई, हमसे ज्यादा लूट का भुखारी तो लाइक कोई भी नहीं होगा। गाइस अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो नीचे आके लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये क्या सस्तापन निकाला है पबजी ने, गोल गोल सा बे। पता है पहली बार जब मैंने इसे देखा ना मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा है ये क्या हो रहा है, लाइक मेरा थोड़ा दिमाग से लिया, मैंने कहा गोल गोल रानी क्या आ रहा है भाई, मीठा मीठा पानी। तो फिर मैंने उसे नीचे किया, मैंने फिर से उसे ऊपर किया चेक करने के लिए कि गोल गोल सा क्या है। तो अब इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है, अच्छा लग रहा है बल्कि। और ये तो इस सस्ते से अपडेट के लिए जो पबजी ने निकाला है, नीचे जाकर के लाइक कर दो वीडियो को। एंड फिर तुम्हारे भाई को मिल गई M249 द गार्डगन, मतलब अब दो दो गार्डगन एक साथ आ गई है जिंदगी में। एंड देखो M4 इसलिए मेरे को पसंद लगती है क्योंकि कुत्ते ऐसा दूर मार देती है। वो बंदा क्या ही बचा नहीं, गलती से वो नॉक हो जाता ना मैं तो पागल हो जाता, मैं तो लाइक लिटरली ओ करके चिल्लाने लग जाता कि भाई ये क्या मार दिया मैंने, ओ आई एम गॉड करके ना वैसा टाइप का सीन। बट वो बच गया, बट वो 1 HP बचा, उसे बहुत पागल जैसा मारा मैंने। तो मैं फिर पीछे तेजी से भागा एंड ट्रिपल सीटर लेकर के आया एंड यहाँ पर चढ़ गया। तो मैंने देखा कि इतने में जो स्क्वाड है ये लेफ्ट में जा चुकी है ट्रिपल वेयर, उसे मैंने कहा अच्छा भैया मैंने आओ देखा ना तो अपनी दो केड़ी की ट्रिपल सीटर में बैठा, मैंने कहा चलो भैया सस्ते नशे बाद में करेंगे, पहले इनकी फाड़ के चार कर देते हैं, सिलने को सलवार कर देते हैं, इनका रिंगा रिंगा रोसेस पॉकेट फिलर नूब्स बना देते हैं। एंड फिर हम निकल लिए अपनी ट्रिपल सीटर में धूम 6 की शूटिंग करते हुए, नकली आमिर खान की एक्टिंग करते हुए, हवा सी बातें करते हुए, जज्बातों से लड़ते हुए। एंड अब घुस गए, उतर दी तुम्हारे भाई ने राइट से TPP लेके पुश कर दिया। मेरे पे दो लोग आ गए इसलिए तो भैया M249 तो गार्ड गन है भाई, कैसे मारोगे ऐसा, नहीं नहीं मार सकते भाई तुम इसे, ये बहुत ही पागल गन है। ये उन टेढ़ी मेढ़ी गन्स में से जिनको एक तरफा मारना बहुत मुसीबत बात होता थी, मैंने इन दोनों को क्या ही मारा है। हालांकि इन पे एडवांटेज था, मैं ओपन में फंस गया था, बट M249 की स्प्रे की ताकत देख रहे हो कितनी ज़्यादा, कैसे मारोगे कौन समय गया, नहीं मार सकते ना। तो इतने में क्या हुआ, एक स्क्वाड मेरा थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है, मैंने कहा बेटा देख मैंने आज तक अपने दोस्तों को पार्टी नहीं दी, तेरे को घंटा पार्टी देगा मैं है? तो तुम्हारे भाई ने आओ देखा ना तो अपने बंदे को बुलाया, पूरा चला जा राइट से फ्लैंक मारेंगे हमने पूरा राइट से घूम के। तो तुम्हारा भाई निकल के पूरा राइट से फ्लैंक मारता हुआ बग्गी से, ये एक्चुअली पहाड़ पे थे, इसी पहाड़ के एकदम एंड पे AWM थे इनके पास, जो कि बहुत ही चीज है। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी एंड क्लोज इन कर दिया अपनी M4 के साथ। एंड M4 मेरे को अब थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा चलाने में मज़ा आ रहा है, हालांकि इसका रिकॉइल बढ़ गया पहले से, बट अच्छी लग रही है। तो तब मैंने जब इधर आया ना, मैंने इन बंदों को देखा, मैंने कहा ओहो दिख गए। फिर तुम्हारे भाई ने निकाला यहाँ पे हरा एप्पल, जी हाँ, एंड कुक करके फेंक दिया, मैंने कहा ले ले खा ले हरा एप्पल, रखे हरा एप्पल अडे कीप्स एनिमीज अवे। तो मैं लाइक हरे एप्पल निकाल निकाल के फेंक रहा था इन पे, एंड वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तुक्के से एक लग गया। एंड इसी के साथ ये थर्ड पार्टी जो करना चाहती थी स्क्वाड, ये भी साफ बहुत ही मजे में। इन लोगों पे एक्चुअली एडवांटेज अच्छा था, बट इन्होंने ये गलती कर दी कि इनके दोनों बंदे इधर थे, अगर इनका एक बंदा लेफ्ट से फ्लाइंग मार के हमको लेफ्ट से पकड़ लेता ना तो हमारी स्क्वाड बहुत आसानी से मार देते, नहीं मजाक से हट के अगर हमको एक कवर कर लेते पहाड़ की रिज पे आके, बट इन्होंने क्या करा उल्टा वो रिज हमें दे दिया एंड खुद का नुकसान कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो तुम्हारे भाई ने फिर यहाँ पे फेंकी M416 उठाई AWM द पापा गन। अरे भैया एक हेड शॉट मारो फाड़ के चार कर देते हैं, सलने को सलवार कर देते हैं, लंबे लंबे बैल घुसा देते, तो कोई नहीं बच सकता, नहीं नहीं भाई नहीं, बचने का सवाल ही नहीं उठता, कैसे बचोगे तुम AWM से। अगर तुम सोच रहे हो तुमने लेवल 3 का हेलमेट पहने तो बच जाओगे जी, एक खोपड़ी पे गोली पड़ेगी भाई हिल जाओगे, नहीं बच सकते।
M249 या MK14 अगर ऑटो पे चलाओ, अगर तुम चलाते हो क्लोज रेंज में, वो भी अच्छी है। बट M249 AWM का जो कॉम्बो है ना, लाइक एकदम डेडली कॉम्बो, इससे खतरनाक कॉम्बो तुमको मिल ही नहीं सकता। एंड फिर तुम्हारे भाई ने मारी यहाँ पे एक और स्क्वाड पे क्लच अकेले, गाड़ी उठाई एंड ले करके घुस गया M249 ले करके। भाई आ जाओ, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। नेड करो नेड करो नेड करो। एंड इसी के साथ ये स्क्वाड भी पूरी की पूरी साफ। अगर गाइस तुम्हें क्लचेस मजा आ रहा है ना देखने में, अभी डीपी से क्लच मारा मैंने, M249 से भी क्लच मार दिया, तो देख नीचे जाकर ये सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, मैं बता रहा हूँ। देखो तुम्हारा भाई डेली ओपी कंटेंट लाता है एंड हमारा गोल पूरे के पूरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स का है। तो कैब गैंग सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो इस वीडियो को। देखो बताता हूँ क्यों। देखो अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड के अकाउंट से सब्सक्राइब करते हो तो तुमको प्यार मिलेगा हमारा, बहुत सारा प्यार मिलेगा तुमको। दुआ देंगे हम कि तुम्हारे 500 बच्चे हों एंड 500 पबजी खेले पूरे दिन। देखो इससे अच्छी दुआ क्या मिल सकती है। नीचे सब्सक्राइब करो अपने अकाउंट से, गर्लफ्रेंड के अकाउंट से, अपने एक्स के अकाउंट से, अपने कुत्ते के अकाउंट से, सारे अकाउंट से सब्सक्राइब करो। तो बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मेरे को नहीं पता। एंड घंटा भी दबा देना। तो फिर तुम्हारे भाई ने निकाली यहाँ पे US, क्योंकि देखो भाई किल्स आर इम्पोर्टेंट, केडी की भूख एंड किल के लालच ने हमको अंधा बना दिया, बंदों को मारने के चक्कर में हमको पागल बना दिया। एंड इतनी सी बात पे यहाँ पर क्या बोलो भाई, राइमिंग नहीं बैठ रही हुई, यहाँ पर कार रेस हो गई क्या यार, चिट यार, चिट चिट चिट, क्या बकवास यार, राइमिंग खराब हो गया मेरी, क्या किंग एंड्रू, क्या क्राइमर बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे नूबड़ा। तो यहाँ पर ना एक स्क्वाड आई थी एंड ये स्क्वाड वाले कते डेडेवल, ठीक है पहले तो ये लोग हमारे पीछे है, फिर हमको गोली मारी एंड फिर निकल लिए। मगर ने खा पता था कि किंग एंड्रू तो पागल है, घुस जाता है गाड़ी लेकर के पीछे ही पकड़, मैं पीछे पड़ गया। मैंने कहा भाई तुम ऐसे कैसे निकलोगे रे। बट सीन ऐसे था ना, ये लोग पोचिंग की में घुस गए एंड पोचिंग में जाकर के इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी एंड बिल्डिंगों में घुस गए। मैंने कहा नहीं यार नहीं, पोचिंग की एक तो जोन के बाहर, उसको क्लियर करने में साल लग जाएगा। मैंने कहा नहीं यार इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने गाड़ी उठाई, बंदों को उठाया एंड यहाँ पर आ गया रिच पे। मेरा यहाँ पे प्लान था कि हम स्कूल वालों को काट पाएँ, डिपार्टमेंट वालों को काट पाएँ, मगर हमें पता था कि हमारे ऊपर एक स्क्वाड लेटी हुई है एंड उन्होंने क्या ही भरा है मेरा। अरे भाई साहब यहाँ पर एक बंदा नॉक हुआ तो मैंने पीक लिया, मैंने कहा है कहाँ यहाँ पे, तो एक बंदा यहाँ पर से M4 मार रहा था। मैंने एक नेड फेंका, मैंने कहा क्या पता है लग जाए, बट कहाँ ही नेड फेंका है। तो मैंने ये क्या ही पड़ा मेरे को, बहुत ही बुरा मार दिया यार। वैसे उससे हेडशॉट कैसे नहीं पड़ा, आई थिंक मेरा एम हल्का सा लेफ्ट हो गया था, बच गया वो। बट जैसे ही स्क्वाड मारी ना, नीचे एक और स्क्वाड आ गई। मैंने कहा ओ भाई भागो, TPP लो TPP, अपने GND बचाओ भाई सबसे पहले। तो ओ बच गए बच गए बच गए। एंड जैसे ही मैंने हेल्थ ली, मैंने पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मार दिया स्क्वाड को मारने के लिए। बट जब तक मैं पहुंचा उतने मेरे बंदों ने स्क्वाड मार दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि देखो तुम्हारे भाई का काम आसान हो गया, जिंदा रहेगा, टायर बढ़ेगा ऑफ कोर्स। लाइक ऐसा क्या मार दिया ना भाई, बहुत ही बुरा मार दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मारने के बाद मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर आप कैब गैंग मेंबरशिप आपने नहीं ली तो जाकर के ले लो यार। देखो हम लोग हैकर्स के सख्त अगेंस्ट हैं, ऊपर से एवरी संडे आपको मिलेगा टॉक शो, डिस्कॉर्ड सर्वर पे स्पेशल रोल, इमोजीज, बैजेस और नहीं क्या क्या फीचर्स। लाइक इतने फीचर तो आपको सैमसंग का डिवाइस भी ना दे, मजाक से। लाइक 60 rupees ओनली कैब गैंग मेंबरशिप, ज्वाइन बटन दबाइए सब्सक्राइब के पास में। तो अब तुम्हारा भाई यहाँ पे रिच पे आके TPP ले रहा है। इधर के जो कंपाउंड है ना, दो ही कंपाउंड घर में थे, दो घर, इसके अंदर मैं एक तुम्हें छोटी सी टिप दूंगा नूब वाली, लाइक दो कड़े का नोबड़ा वाला टिप, कि कभी भी ना इन दोनों घरों के अंदर मत रहना, क्योंकि उसका नुकसान है। इस घर के चारों तरफ ना रिजेस हैं, तो मतलब अगर कोई स्क्वाड आके रिच पे बैठ जाती है तुम्हारे, तो तुम्हारी बता रहा हूँ ना मैं, ऐसा कटेगा कि भाई जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, पबजी ऐसा काट देगा भाई तुम्हारा। तो मैंने यहाँ पर से AWM से किल निकाला बहुत ही आसानी से। बट सीन ऐसा था ना कि मेरे को एक ग्रोजा वाले की ना फायरिंग की आवाज़ आ गई थी, ये तो अभी मैं इसको ही मार रहा हूँ बोल्ट एक्शन वाले को। बट जब मैं यहाँ पे इनिशियली TPP लेने आया था ना, मैंने ध्यान दिया था कि एक ग्रोजा वाला कोई लेफ्ट में पेड़ के पीछे है। तो मैंने ग्रेनेड निकाला
एंड रैंडम नेट उठा करके उसी पेड़ के पीछे फेंक दिया। तो मेरे को तो लग रहा था क्या पता वहां पर वो मर जाए, बट वो वहां था ही नहीं। तो फिर मैंने हल्का सा पीछे घूम के देखा, मेरे को वहां लेकर गया। ये बंदा ना एक्चुअली ज्यादा शाना बन रहा था, ये सोच रहा था ना कि पीछे से मार के पूरी स्क्वाड वाइप कर देगा हमारे को। मैं जान चुका था कि ग्रोसा वाला पास में ही अपने, जब यहाँ पे मैं इनिशियली आया था टीवी भी लेने, तो उसने पास में से गोलियां मारी थी किसी और को, बट मेरे को तो वो दिखा नहीं था, बट मेरे दिमाग में था कि कहीं आसपास ही है ये, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली उसे पकड़ लिया। तो अब ये तीन बंदे बचे हैं एंड एक बेचारा नादान परिंदा बालक उस रेड डब्बे के पीछे छुपा हुआ है। तुम्हारा भाई तो भाई चारों तरफ से घेर लिया, अब इसको कैसे बचेगा, नहीं बच ही नहीं सकता बेचारा, क्या करे। इसको मैंने यहाँ पर से बॉडी शॉट मार दिया तो इसकी कदी फट चुकी है अभी, लाइक अंदर से ना इसकी पैंट गीली हो गई है। तो जब तक मेरे को पता चला कि इसके साथ क्या होगा, इतने में बंदा कूदने लग गया मीटअप के लिए, जो कि बहुत ही ऊपर चीज है। वैसे इनके साथ मजा बहुत है मीटअप करने में। इस बंदे ने कपड़े उठाए, ये भागने लग गया पागल टाइप। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने कहा भाई ठीक है, ओके वेल डन। अच्छा भाई कम से कम चीटिंग तो नहीं करी। नहीं, बहुत सारे लोग बताऊँ क्या करते हैं, वो फाइट लेते हैं पहले, फाइट लेने के बाद जब वो फाइट हारने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तब वो कूदना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यार नहीं, वो चीटिंग हो जाती है, नहीं 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 वो नहीं करने का। तो तुम्हारे भाई ने फिर यहाँ पे स्मोक में एडजस्ट करके मार दिया। भाई साहब क्या ही मारा है, नहीं मेरा बेस्ट शॉट अब तक का, AWM कब तक का मेरा बेस्ट शॉट मैंने शायद से ही मारा होगा। क्या ही स्मोक में एडजस्ट करके मारा है, क्या ही मारा है भाई साहब, मजा आ गया, अरे मजा। बट इसके टीम में भी फिर मीटअप करने लग गया। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है तुम भी आ जाओ। मेरे को पता है जितने भी हैं, ये तीनों के तीनों का सबसे बड़ा शाउट आउट भैया, थैंक यू सो मच आप मिलने हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मीटअप करके, लाइक पैन फाइट करने का मौका मिलता है। तुम्हारे भाई को पैन फाइट से ज्यादा प्यारी चीज को जिंदगी में लगती, क्योंकि मैं पैन फाइट हारता नहीं हूँ एक्चुअली आसानी से ना, लाइक मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमको हराने में पैन फाइट में, बिकॉज अपन इतनी पैन फाइट कर चुके ना, लाइक पैन फाइट खून में घुसती है हमारे। तो फिर यहाँ पर से शुरू होता है पैन फाइट वाला कॉन्टेस्ट एंड किंग एंड्रू की पैन फाइट वाली कॉमेंट्री। जी हाँ, बट फाइट शुरू होने से पहले एक बंदे ने चीटिंग करके मेरा टकला फोड़ के मेरे को 1 HP कर दिया, जो कि लाइक गलत है भाई, ऐसा नहीं करना यार। रेडी तो बोलो कम से कम, मैं खड़ा रहता हूँ, लोग मेरे को आके सर पर टकले भी मार देते हर बार, मेरे साथ ऐसे ही होता है। बट मेरे को डेमी गॉड ने अपना हेलमेट दे दिया, थैंक यू डेमी भाई। एंड फिर यहाँ से शुरू होता है एक पैन फाइट वाला युद्ध आरंभ। क्या किंग एंड्रू अपनी इज्जत पैन फाइट वाली फाइट की बचा पाएगा, देखते हैं। किंग एंड्रू को खाया पहला बॉडी शॉट, किंग एंड्रू की फटके चार होगी, सलने का सलवार होगी, लंबी लंबी एल लगे, उसके लगता है किंग एंड्रू आज पैन फाइट हारेगा। बट ये क्या, किंग एंड्रू ने कमबैक करके एक बॉडी शॉट मारा सामने वाले को। किंग एंड्रू बहुत ध्यान से खेल रहा है, अपने टीममेट की पूरी अपने अपोनेंट की पूरी मूवमेंट देख रहा है कि सामने वाला कब गलती करेगा एंड उसे कब जाके किंग एंड्रू पट से बॉडी शॉट मारेगा। तो किंग एंड्रू सामने वाली गलती करने का वेट कर रहा है, जैसे सामने वाला गलती करेगा उसको जाकर के पट से मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि किंग एंड्रू 1 HP है एंड सामने वाला तो है ही 1 HP एंड यहाँ पे लोगन मारा गया। अब बारी है यहाँ पे दूसरी पैन फाइट। अब दूसरी पैन फाइट शुरू होते हुए जोन क्लोज होता हुआ, क्या किंग एंड्रू 13 सेकंड के अंदर 2 बंदे मार पाएगा, देखते हैं। तो किंग एंड्रू बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हुए यहाँ पे सामने वाले बंदे पे पागल जैसे चढ़ते हुए एक बॉडी शॉट, 2 बॉडी शॉट, 3 बॉडी शॉट मारता हुआ किंग एंड्रू पट से बॉडी शॉट मार के विनर विनर चिकन डिनर लेगा किंग एंड्रू वापस अपनी पैन फाइट से। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल। देखो क्या ही पैन फाइट मारा, अरे 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 क्या ही मार दिया ना, मेरे को ऐसे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी 10 सेकंड में 2 बंदे मार दूंगा मैं, बट मार दिया तो अच्छी बात है। तो गाइस वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करो अगर तुम चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पे नए हो, वीडियो पे नए हो तो लाइक करो, लाइक लाइक तो करो, लाइक 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 सब्सक्राइब 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 शेयर 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 पीस आउट पीस आउट पीस आउट पीस आउट। To stop what you're doing and listen.